सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित केसरी देवी कनौरिया विद्या मंदिर स्कूल में 3 दिनों तक विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप किया गया। कोलकाता से आए हुए 16 डॉक्टरों की टीम, जिसमें SPBS, डेंटल एवं जनरल फिजिशियन, महिला एवं पुरुष सभी विद्यालय के कक्षावार एक एक छात्रों का परीक्षण किया। चिकित्सकों की टीम ने विद्यालय परिसर में ही 1300 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया। बच्चों ने बताया कि डॉक्टर बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। जिन बीमारियों को छोटी बात समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है, जिससे हम समय रहते ही इलाज करा लेते हैं। डॉक्टर जांच के दौरान शरीर में पाए गए कमी एवं बड़े ही साधारण ढंग से उसके उपचार का तरीका भी समझाया है। वहीं विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं विद्यार्थियों ने इस कार्य को प्रधानाचार्य गौतम गुप्ता का बहुत सराहनीय कार्य बताया और धन्यवाद भी किया। कोलकाता से आए डॉक्टर्स की टीम ने आधुनिक तकनीकी जांच उपकरण का इस्तेमाल कर सभी बच्चों को अच्छी तरह से जांच किया। विद्यार्थियों के चिकित्सीय जांच में डॉक्टर्स की टीम के साथ प्रधानाचार्य के अलावा अध्यापिका नंदा झारखंडी, प्रीतिवाला, सीमा एवं विद्यालय के अन्य स्टाफ सहयोग में लगे रहे। क्या नाम है मैडम आपका? हेलो, आई एम डॉक्टर पूजा, आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता एंड आई एम जॉइनिंग वर्क इन जर्मा वेलनेस। तो यहाँ पर हम लोग कैंप कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी हम लोग कैंप किए थे। तो यहाँ का जनरल चेकअप होता है, यहाँ पर ENT वाला चेक होता है, डेंटल भी होता है, आई चेकअप भी होता है और पैरामेडिक्स मतलब स्पायरो, हाइड्रोइड, ये सब कुछ होता है। तो लगभग अभी तक आप लोगों ने कितने बच्चों को चेकअप कर चुके हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने 1000 कर चुके हैं, आज लास्ट ईयर है और भी बहुत सारे बच्चे बाकी और एक्सरसाइज भी बहुत सारे। आपके विद्यालय में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है जी, तो ये क्या कैंप है, किस तरह का कैंप है ये? हम लोग के पास CBSE गाइडलाइंस है कि बच्चों का एक साल में कम से कम एक बार पूरा हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। तो इसके तहत हम लोगों के जो ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप, उसका जो GHR है उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है, इन लोगों ने एक टीम को आइडेंटिफाई किया है, वो आके बच्चों का पूरा पूरा हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पिछले साल की ही बात है, एक बच्चे का मिडिल ईयर में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बॉडी बैलेंसिंग में दिक्कत आ रहा था, तो इन्हीं लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, जबकि बच्चा रेगुलर बेसिस पे मतलब उनके पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले जाना दिखाना सब कुछ हो रहा था, खैर वो पकड़ में नहीं आया था। पर इनके पास इतने अच्छे नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे उन्होंने खोजा और बच्चे को फिर उनके पिताजी जो है लेके BHU गए और वो चीज़ अब ठीक हो गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बच्चों का पूरा डिटेल में चेकअप हो रहा है। तो कितने दिन से ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है? ये 3 दिन का लगा है क्योंकि स्कूल के सारे बच्चों का चेकअप हो रहा है। लगभग कितने बच्चों का हो गया होगा सर? करीबन हमारे पास 1350 बच्चे हैं, तो आज ये समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कितने पढ़ती हैं आप? अभी आपका मेडिकल चेकअप हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो वाले कर रहे हैं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली अपने खुद के बारे में। ठीक है, आपका कितने पढ़ते हैं आप? सर 12। तो अभी मेडिकल कैंप में लगा हुआ है, यहाँ पर अभी आपका चेकअप हुआ, तो आपको कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके थ्रू हम और हमारे दोस्तों को ये पता चला कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, हमारा BMI कैसा है। और यहाँ पे जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है और सर वो हर एक चीज़ फ्रॉम हमारे हड्डी को हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करके बता दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट क्या है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।